नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जीरो टू हाई लेवल में। सामान्य अध्ययन के सीरीज को जारी रखते हुए आज हम लाए हैं संपूर्ण विविध का मास्टर वीडियो। अगर आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी जीरो टू हाई लेवल को। तो चलिए बिना आपके समय को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं संपूर्ण विविध का मास्टर वीडियो। विविध में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ निवारण दिवस, फरवरी में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, मार्च में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व विकलांग दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु शहीद दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, अप्रैल में 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, मई में 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 15 मई को विश्व परिवार दिवस, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस, जून में 5 जून को पर्यावरण दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, पीसी महालनोबिस का जन्मदिन, जुलाई 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस, डॉक्टर विद्याचंद्र राय का जन्मदिन, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस, अगस्त में 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस, 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद के जन्मदिन पर, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस राधा कृष्णन का जन्मदिन संस्कृत दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 16 सितंबर को ओजोन परत रक्षण दिवस, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जयंती, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 24 अक्टूबर को राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस, 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल की स्मृति में, नवंबर में 14 नवंबर को बाल दिवस या मधुमेह दिवस, 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, दिसंबर में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन। नोट, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष तथा 2017 को विकास हेतु सतत पर्यटन का वर्ष घोषित किया था। यूएनओ महासभा ने 2019 को देशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। समकालीन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दशक 2011 से 2020 ईस्वी तक उपनिवेशवाद के उन्मूलन के लिए तृतीय अंतर्राष्ट्रीय दशक, जैव विविधता का दशक और सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन दशक 2014 से 2023 ईस्वी तक सभी के लिए वहनीय ऊर्जा का दशक सस्टेनेबल एनर्जी 2015 से 2024 ईस्वी तक अफ्रीकी आदिवासी अफ्रीकन डिसेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक। अब भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा
गांधी, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, प्रथम महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी, प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज, प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश, प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बेबी, हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भानौर, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला आरती शाह, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला मदर टेरेसा, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बिछेंद्री पाल, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला रीता अफारिया 1966 ईस्वी, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन, एवरेस्ट पर लगातार दो बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला इंदिरा गांधी, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला एन लम्सडेन हॉकी में 1961 में मिला था, वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल, नौसेना में प्रथम महिला पायलट शुभांगी स्वरूप वर्ष 2017, मान बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अरुंधति रॉय, राज्यसभा की महासचिव तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने वाली प्रथम महिला वी एस रमादेवी, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला अमेरिकी नागरिक, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया 1983 में, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत संधू, सात प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला बुला चौधरी, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाले तथा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम 1956 ईस्वी, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी, सेना मेडल प्राप्त करने वाली प्रथम महिला विमला देवी, प्रथम महिला रेल चालक सुरेखा यादव, भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री देविका रानी रोरिक, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक, भारत की प्रथम महिला सर्जन डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी, ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी, कांस्य पदक इनको मिला था 2000 में, ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला एवं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला पीवी सिंधु है, ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साइना नेहवाल है, ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साक्षी मलिक वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक में जीता था, ओलंपिक में मुक्केबाजी महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला मैरी कॉम वर्ष 2012 में लंदन ओलंपिक में, प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति नजमा हेपतुल्ला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय महिला नीता अंबानी वर्ष 2016, भारत में प्रथम पुरुष, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और ये अंतिम वायसराय थे, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी और ये अंतिम थे, प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 ईस्वी में, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट, प्रथम वायु सेना अध्यक्ष थे एयर मार्शल एस मुखर्जी, प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे वाइस एडमिरल रामदास कटारी, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल एम राजेंद्र सिंह, स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा, प्रथम फील्ड मार्शल थे जनरल मानेक शॉ, प्रथम लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र सिंह, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ ठाकुर साहित्य में 1913 में,
प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक थे सी वी रमन, भौतिकी में 1930 में। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 ईस्वी में। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जो पाकिस्तानी थे, 1987 में इनको दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति श्री शंकर कुरुप, मलयालम भाषा में। ICRS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय है सत्येंद्रनाथ टैगोर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर से। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डेविड आइजन हावर। भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री निकोलाई ए बुल्गारिन। प्रथम भारतीय पायलट JRD टाटा 1951 ईस्वी। ओलंपिक में व्यक्ति स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल में 2008 ओलंपिक में। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति जेम्स ए हिक्की। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय प्रकाश पादुकोण। कांस्य पदक 1983। स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टेस्ट क्रिकेट में टहरा शतक मारने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग, पाकिस्तान के खिलाफ। प्रथम परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र। प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत। प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल अग्नि। प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी। प्रथम आणविक केंद्र तारापुर। प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 में नई दिल्ली। प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली। पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था 15 अगस्त 1982 में। प्रथम मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, निर्माता थे फाल्के 1913 में। प्रथम बोलती फिल्म थी आलम आरा और इसके निर्माता थे आरदेसिर ईरानी 1931। भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म थी झांसी की रानी। भारत की प्रथम 3D फिल्म थी माई डियर कुट्टी चानन। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 ईस्वी में। प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जयपुर। भारत के प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क इडुक्की केरल में शुरुआत हुई। प्रथम यात्री रेलगाड़ी मुंबई से थाने 1853 ईस्वी में। प्रथम मेट्रो रेलगाड़ी कलकत्ता मेट्रो 1984 ईस्वी। रक्षा विश्वविद्यालय बिनौला गुरुग्राम 2013। CNG से चलने वाली रेलगाड़ी रेवाड़ी से रोहतक 13 जनवरी 2015 ईस्वी को। प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत अभ्य विश्व में प्रथम। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है शेरपा तेंजिंग भारत व सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड। विश्व का पहला धर्म है सनातन धर्म। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है रॉबर्ट पियरे, जो कि USA के थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमर्ट सेन नॉर्वे के थे। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन। सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने वाला पहला देश चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट बालफोर। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव त्रिगवेली। नॉर्वे 1946 से 1957। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश उरुग्वे। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल बेलग्रेड। वायुसेना से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति राइट बंधु वायुयान से। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश रूस। आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन करने वाला प्रथम देश यूनान। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया हिरोशिमा जापान 6 अगस्त 1945 को। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय 800 ईस्वी पूर्व। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग।
अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन रूस। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनोव रूस। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया था। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा रूस। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुनको तेवई जापान। संयुक्त राष्ट्र महासंघ की प्रथम महिला राष्ट्रसभापति विजय लक्ष्मी पंडित भारत। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया एस्टेला राजा बेल अर्जेंटीना। विश्व कोश संकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति एस्पेओसिप्स एथेंस। विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम एशियन व्यक्ति आर्थर एस। साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति प्रुंधोसली। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सम्मानित व्यक्ति जियां हेनरी दुनांत एवं फ्रेडरिक पासी। भौतिकी विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाला व्यक्ति डब्ल्यू के रॉन्टजन। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति जे एच वान हाफ। चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाला सम्मानित व्यक्ति ए वान बेरिन। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सम्मानित व्यक्ति रेनगर फ्रिस एवं जॉन टिनबर्ग। विश्व का प्रथम देश जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान किया गया नीदरलैंड या हॉलैंड। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश स्वीडन। अब है देश के प्रमुख देश के राष्ट्रीय चिन्ह। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है लीली। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शेर। ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल। यूके का राष्ट्रीय चिन्ह भी गुलाब का फूल। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह ईगल। यूएसए का राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रॉड। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह सफ़ेद लीली। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा। नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह शेर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लीली। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह मेपल लीफ। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह वेटल। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह कीवी। सर्दर्न क्रॉस फर्न। प्रमुख देश के राष्ट्रीय स्मारक। इंपीरियल पैलेस स्थान टोक्यो देश जापान। झुकी हुई मीनार पीसा इटली। पवन चक्की किंडर डिज डेनमार्क। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क यूएसए। ताजमहल आगरा भारत। ग्रेट वॉल उत्तर चीन चीन। ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया। पिरामिड गीजा मिस्र। एफिल टावर पेरिस फ्रांस। अब है प्रमुख देश के सरकारी दस्तावेज। वाइट बुक पुर्तगाल चीन व जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन। वाइट पेपर ब्रिटेन और भारत की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। ग्रे बुक बेल्जियम व जापान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। ग्रीन बुक इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट का या प्रकाशन। ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन। प्रमुख देश के राष्ट्रीय पशु। ऑस्ट्रेलिया के कंगारू। कनाडा गंजा ईगल। जापान आइबिस। न्यूजीलैंड कीवी। यूनाइटेड किंगडम रॉबिन रेड ब्रेस्ट। भारत बाघ। अब है प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक। उल्टा झंडा है संकट का प्रतीक। झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। सफ़ेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक। लाल प्रकाश खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक। हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत। कलम संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक। कमल का फूल संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल। लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक। काला झंडा विरोध का प्रतीक। पीला झंडा संक्रामक रोग ग्रस्त लोगों पर को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा। एक दूसरे को काटती दो हड्डी और ऊपर खोपड़ी बिजली का खतरा। चक्र प्रगति का चक्र। ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक। आंखों पर पट्टी बंधी और हाथ में तराजू लिए स्त्री न्याय का प्रतीक। बांह पर काली पट्टी शोक विरोध और दुख का प्रतीक। अब है प्रमुख देश और उनकी राजधानी मुद्रा एवं भाषा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका राजधानी वाशिंगटन डीसी मुद्रा डॉलर। भाषा अंग्रेजी। रूस रूस की राजधानी मॉस्को मुद्रा रूबल और भाषा रूसी। चीन चीन की राजधानी बीजिंग मुद्रा युआन और भाषा चीनी मंगोल या मंडारिन।
जापान, जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन और भाषा जैपनीज। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, मुद्रा यूरो, जर्मन, भाषा जर्मन। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो, भाषा फ्रेंच। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन, मुद्रा ब्रिटिश पाउंड और करेंसी भाषा अंग्रेजी। भारत की राजधानी नई दिल्ली, करेंसी रुपया और भाषा हिंदी। इटली की राजधानी रोम और मुद्रा यूरो और भाषा इटालियन। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, मुद्रा वान और भाषा कोरियाई। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, मुद्रा सेकेल और भाषा हिब्रू और अंग्रेजी। कनाडा की राजधानी ओटावा और मुद्रा डॉलर और भाषा अंग्रेजी और फ्रांसीसी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी और भाषा अंग्रेजी। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और न्यूजीलैंड डॉलर करेंसी और माओरी और अंग्रेजी भाषा। यूक्रेन की राजधानी कीव, भाषा यूक्रेनियाई और करेंसी हराइनवीनिया। बेलारूस की राजधानी मिंस्क, करेंसी रूबल और भाषा बेलारूसिदाई भाषा। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, करेंसी यूरो और भाषा डच। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, करेंसी क्रोन और भाषा नॉर्वेजियन। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, करेंसी यूरो और भाषा डच, फ्रेंच और जर्मन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, करेंसी क्रोन और भाषा डेनिश। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, करेंसी रियाल और भाषा पुर्तगाली और अंग्रेजी। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, करेंसी पेसो और भाषा स्पेनिश। वेनेजुएला की राजधानी काराकस और करेंसी बोलीवर और भाषा स्पेनिश। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, करेंसी पेसो और भाषा स्पेनिश। ईरान की राजधानी तेहरान और करेंसी रियाल और भाषा फारसी। इराक की राजधानी बगदाद, करेंसी इराकी दिनार और भाषा अरबी, आधिकारिक भाषा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और करेंसी सऊदी रियाल और भाषा अरबी। सीरिया की राजधानी दमिश्क, सीरियन पाउंड करेंसी और भाषा अरबी। सूडान की राजधानी खार्तूम और सूडानी पाउंड करेंसी और अरबी भाषा। सूडानी दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा, करेंसी पाउंड और भाषा अरबी और अंग्रेजी। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई, करेंसी रुपया, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और हिंदुस्तानी भाषा बोली जाती है। मिस्र की राजधानी काहिरा या कैरो, पाउंड यहाँ की करेंसी है और अरबी भाषा बोली जाती है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली, दिनार यहाँ की करेंसी है और अरबी यहाँ भाषा बोला जाता है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, यहाँ की करेंसी नेरा और यहाँ हाउजा, अंग्रेजी, इबो और यरूबा भाषा बोला जाता है। म्यांमार की राजधानी नेपिता, यहाँ की करेंसी क्यात और यहाँ भाषा बोली जाती है बर्मी और जनजातीय। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, यहाँ की करेंसी रिंगिट और यहाँ चीनी और मलय भाषा बोला जाता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, करेंसी रुपया और इंडोनेशिया और भाषा बोली जाती है। फिलीपींस की राजधानी मनीला, यहाँ की करेंसी पेसो और फिलिपिन अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, यहाँ की करेंसी रुपया और भाषा उर्दू, सिंधी और पंजाबी बोली जाती है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी और भाषा पश्तो और पर्शियन। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, यहाँ की करेंसी है टका और यहाँ बंगाली और चकमाघ भाषा बोली जाती है। भूटान की राजधानी थिम्पू, करेंसी नगुलट्रम और यहाँ जोंखा भाषा बोली जाती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया और नेपाली भाषा बोली जाती है। मालदीव की राजधानी माले, रुपया, दिवची भाषा। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे, रुपया करेंसी है और सिंहली और तमिल भाषा बोली जाती है। अब है विभिन्न देश की संसद। भारत संसद, ईरान मजलिस, ताइवान युआन, इजराइल नेसेट, जापान डाइट, मालदीव मजलिस, स्वीडन रिक्सडाग, नॉर्वे स्टोर्टिंग, भूटान सोंगडू, रूस डूमा, स्पेन कोर्टेस, जर्मनी बुंसडेग। मंगोलिया खुर्रल, पाकिस्तान नेशनल असेंबली, नेपाल राष्ट्रीय पंचायत, मिस्र पीपल्स असेंबली, चीन नेशनल पीपल्स कांग्रेस,
फ्रांस नेशनल असेंबली, बांग्लादेश जातीय संसद, अफगानिस्तान सोडा, स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट, यूएसए कांग्रेस, डेनमार्क फॉलकेटिंग। अब संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193वां देश दक्षिणी सूडान जुड़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बनाया हुआ है। यह प्रतीक है दो जैतून का वक्राकार शाखा जो ऊपर से खुली है और उसके बीच विश्व का मानचित्र बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं, कार्य करने वाली भाषाएं दो है, अंग्रेजी और फ्रेंच, और अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश है। नोट, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। इसके निम्न 6 अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, परन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो पहले देखते हैं महासभा। इसमें सभी सदस्य देश के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसके लिए इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा गया है। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं, परंतु उसका वोट सिर्फ एक ही होता है। दूसरा है सुरक्षा परिषद। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेवारी है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या 54 है। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। इसमें निर्णय साधारण बहुमत से होता है। परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोग, अस्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करता है। चौथा है परन्यास परिषद। परन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य होते हैं, जिसमें 4 प्रबंधनकर्ता देश, 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य। वर्तमान में यह निलंबित चल रहा है। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग नीदरलैंड में 1946 ईस्वी को की गई थी। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। इनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है। न्यायालय की सरकारी भाषाएँ फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश और उनका कार्यकाल। बेनेगल रामा राव 1952 से 1953 के बीच कार्यकाल था इनका। नागेंद्र सिंह 1973 से 1988, रघुनंदन पाठक 1989 से 1991, दलवीर भंडारी 2012 से अब तक। नीदरलैंड में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी 2012 से अब तक बने हुए हैं। छठा है सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के काम को निपटाता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। अब है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। पहले हैं त्रिवेली, ये नॉर्वे के थे 1946 से 1952 तक। यूएनए के प्रथम महासचिव, 1952 में स्वयं इस पद से इस्तीफा दे दिया। दूसरे हैं वान की मून, दक्षिण कोरिया 2007 से 2016 तक रहे थे। लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए थे इन्होंने। फिर हैं एंटोनियो गुतरस, 1 जनवरी 2017 से अब तक, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री और यूएनए के वर्तमान महासचिव थे। अब है संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट अभिकरण एवं अन्य संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO 1919 ईस्वी में, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड है। भूमिका है श्रमिकों की स्थिति में सुधार और उनके जीवन स्तर को उन्नत करना। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय रोम इटली में है।
इसका कार्य विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना तथा खाद्य एवं कृषि संबंधी ज्ञान का आदान प्रदान करना, विकासशील देश को नवीनतम एवं बदली तकनीक के बारे में जानकारी प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, वाशिंगटन DC, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसकी हेडक्वार्टर है। सदस्य देशों को अब विदेशी विनिमय में सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को प्रोत्साहन तथा सदस्य देश की आर्थिक उन्नति में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की मजबूती। नेक्स्ट है विश्व बैंक, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA। उत्पादन एवं विकास प्रायोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन देना इसका कार्य है। नेक्स्ट है यूनेस्को, यूनेस्को का स्थापना 1946 में, इसकी हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस है। विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्र के मध्य निकटता की भावना निर्माण करना इसका कार्य है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, 1948 में इसकी स्थापना हुई, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व के समस्त लोगों में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA, 1957 में इसकी स्थापना हुई, इसके मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना इसका कार्य है। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, इसकी स्थापना 1967 में हुई, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड है। बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाना, बौद्धिक संपदा को संरक्षण तथा उसके उपयोग में तेजी लाना। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD, 1977 में इसकी स्थापना हुई, इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली। विकासशील देश में निम्न वर्ग को उन्नत खाद्य उत्पादन तथा पोषाहार के साधन जुटाने में मदद करना इसका लक्ष्य है। विश्व व्यापार संगठन WTO, 1995 में इसकी स्थापना हुई और इसके मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत तथा कानूनी आधार उपलब्ध कराना इसका कार्य है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का गठन 2006 में किया गया, इससे मानवाधिकार आयोग का स्थान दिया है। मुख्य कार्य, इस परिषद के कुल 47 सदस्य हैं, इसका मुख्य कार्य विश्व स्तर पर मानवाधिकार संबंधी मामलों की देखरेख करना है। यह संस्था सीधे महासभा के अधीन है। हमें विश्व के कुछ अन्य प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय और स्थापना वर्ष। यूरोपियन संघ का स्थापना 1958 में और फिर पुनर्गठन 1993 में हुआ, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो की स्थापना 1949 में, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक 1966 में स्थापना हुई और मनीला फिलीपींस इसकी राजधानी है। आसियान का स्थापना 1967 में हुआ, इसकी राजधानी इसकी मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ SAARC का स्थापना 1985 में हुई और इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC की स्थापना 1960 में हुई और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में और इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM की स्थापना 1961 में हुई, इसका भी राजधानी लंदन, हेडक्वार्टर लंदन है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई। भारत की प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा के लिए सेना का गठन किया गया, जिसका सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है, परंतु रक्षा संबंधी समस्त कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। रक्षा मंत्री सशस्त्र सेना के प्रशासन का कार्य करता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया। थल सेना आर्मी, इसका प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे 7 कमांड में बांटा गया, जिसका विवरण इस प्रकार है। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर, उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर, मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ, पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता, दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे,
दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय जयपुर और ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय शिमला। प्रत्येक कमांड जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अधीन होते हैं। दूसरा है जल सेना नेवी, इसका प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। समस्त जल सेना को 3 कमांड में बांटा गया। प्रत्येक कमांड का विवरण इस प्रकार है। पूर्वी कमांड विशाखापत्तनम, पश्चिमी कमांड मुंबई, दक्षिणी कमांड कोचीन। तीसरा है वायुसेना एयरफोर्स, इसका प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है। इसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना को 7 कमांड में बांटा गया, जिसका विवरण इस प्रकार है। पूर्वी कमांड मुख्यालय शिलांग, केंद्रीय कमांड मुख्यालय इलाहाबाद, दक्षिणी कमान का मुख्यालय गांधीनगर, मेंटेनेंस कमान का मुख्यालय नागपुर, पश्चिमी कमान का मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिणी कमान का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम, ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय बेंगलुरु। अब है कमीशन्ड ऑफिसर की पद श्रेणियां। स्थल सेना, वायुसेना और जल सेना में जनरल, स्थल सेना में जनरल, वायुसेना में एयर चीफ मार्शल और जल सेना में एडमिरल। स्थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल, वायुसेना में एयर मार्शल और जल सेना में वाइस एडमिरल। स्थल सेना में मेजर जनरल, वायुसेना में एयर वाइस मार्शल और जल सेना में रियर एडमिरल। स्थल सेना में ब्रिगेडियर, वायुसेना में एयर कमांड कोमोडोर और नौसेना में कमोडोर। स्थल सेना में कर्नल, वायुसेना में ग्रुप कैप्टन और नेवी में कैप्टन। स्थल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल और वायुसेना में विंग कमांडर और जल सेना में कमांडर। स्थल सेना में मेजर, वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर और जल सेना में लेफ्टिनेंट कमांडर। स्थल सेना में कैप्टन, वायुसेना में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट और जल सेना में लेफ्टिनेंट। स्थल सेना में लेफ्टिनेंट, वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर और जल सेना में सब लेफ्टिनेंट। अब है भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के अर्धसैनिक और नागरिक बल हैं। पहला है असम राइफल AR, इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा, पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक शांति बनाए रखना आदि है। दूसरा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, 1939 में इसकी स्थापना हुई। देश में कानून और व्यवस्था कायम करने में राज्यों की सहायता करना इसका कार्य है। तीसरा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। देश की उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सीमावर्ती लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों, तस्करी एवं भारतीय सीमा में अवैध घुसपैठ रोकना इसका दायित्व है। नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल SSB, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। नेपाल और भूटान सीमाओं की चौकसी करना इसका कार्य है। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की चौकसी करना तथा आपातकाल में आंतरिक सुरक्षा में सहयोग करना इसका दायित्व है। नेक्स्ट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, 1969 में इसकी स्थापना हुई। सरकार के औद्योगिक परिसरों में कार्यरत कारीगर और वहां की संपत्ति की सुरक्षा करना इसका प्रशिक्षण संस्थान है हैदराबाद में। भारतीय तटरक्षक दल 1978 में इसकी स्थापना हुई। देश की समुद्री सीमाओं एवं समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हित की रक्षा करना इसका कार्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, इसकी स्थापना 1984 में हुई। NSG एक उच्च प्रशिक्षण प्राप्त बल है जो आतंकवादी गतिविधि को चुनौती का सामना कराता है। इसके सदस्य को ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता है। इसकी ट्रेनिंग मानेसर हरियाणा में होती है। विशेष सुरक्षा बल SPG, 1985 में इसकी स्थापना हुई। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री एवं उनके परिवार के सदस्य को सुरक्षा मुहैया कराना इसका कार्य है। नोट, रैपिड एक्शन फोर्स RAF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का भाग है, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1991 को की गई थी। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। नृत्य और संबंधित राज्य, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, कथक उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, मणिपुर मणिपुर,
मोहिनीअट्टम केरल और शास्त्रीय असम। नेक्स्ट है आधुनिक काल के चित्रकार एवं उनके बनाए गए चित्र, नाम और चित्र। अवनींद्रनाथ ठाकुर, भारत माता स्वतंत्रता का स्वप्न, नंदलाल बोस, गांधी जी की दांडी यात्रा, असित कुमार हल्दार, नववधू, कच्छ देवयानी, गगनेंद्रनाथ ठाकुर, स्वप्नलोक, मकबूल फिदा हुसैन, घोरा, सभ्यता और हिंसा, अमृता शेरगिल, नींबू बेचने वाला, यामिनी राय, काला घोरा, क्षितिंद्र मजुमदार, प्रतीक्षा, मनीष दे, प्याऊ। नेक्स्ट है प्रमुख लोक नृत्य, राजस्थान के भारत के प्रमुख वाद्य एवं वाद्य यंत्र एवं उसके वादक, वाद्य यंत्र और प्रमुख वादक। सरोद वादक हैं अजमत अली, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, हाफिज खां, विश्वजीत राय, चौधरी जरीन, दारूवाला, मुकेश शर्मा आदि। शहनाई वादक हैं बिस्मिल्ला खां, दयाशंकर, जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खां आदि। वायलिन बजाने वाले हैं डॉक्टर एम राजन, विष्णु गोविंद, जोग एल सुब्रमण्यम, संगीता शंकर, कुनकैडी, बैजनाथ टी एन कृष्णन आदि। सितार वादक हैं पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, साहिद परवेज, उमा शंकर मिश्र आदि। तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, लतीफ खां, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज और फैयाज खां। बांसुरी वादक हैं हरि प्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, वी कुंजमणि, एन लीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी आदि। वीणा वादक हैं एस बाल चंद्र, बदरुद्दीन डागर, कल्याण कृष्ण भगवतसार, डी दरोस्वामी आयंगर आदि। संतूर वादक हैं भजन सुपाड़ी, शिव कुमार शर्मा आदि। पखावज हैं उस्ताद रहमान खां, गोपाल दास, छत्रपति सिंह आदि। अब है प्रमुख लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नृत्य हैं झूमर, घपाल, फुंदी, पनिहारी, गनगौर। महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं लावणी, नकटा, कोली, गोरीचा, ललिता, तमाशा, मौनी, पोवाड़ा। मेघालय के हैं लाहो, वांगला। गोवा के हैं मंडी, झागोड़ी, खोल, धकनी। अरुणाचल प्रदेश के मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य। कर्नाटक के यक्षगान, पुनीता, करगा, लामबी। झारखंड के छऊ, सरहुल, जट जटिन, कर्मा, विदेशिया। उत्तराखंड के हैं गढ़वाली, कुमायूं, रासलीला। आंध्र प्रदेश के हैं कुचिपुड़ी, शास्त्रीय नृत्य है घंटा मर्दाला, मोहिनी अट्टम। छत्तीसगढ़ के हैं कर्मा और झूमर। हिमाचल प्रदेश धमान, छपेली, नटी, डांगी, चंबा, थाली, झेता, डव। गुजरात के हैं गरबा, डांडिया, भवई, रासलीला, लास्या। असम के हैं बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, बाबू रुम्बा। पश्चिम बंगाल के हैं काठी, गंभीरा, जात्रा, मरसिया, कीर्तन। केरल के हैं कथकली शास्त्रीय नृत्य, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य और कलियाट्टम। मणिपुर के हैं मणिपुरी शास्त्रीय, रखाल, नटरास, महाराष्ट्र। ओडिशा के हैं ओडिसी शास्त्रीय, सवारी, धुमड़ा, टैंका और मुंडरी। नागालैंड के चेओंग, खैवा, लिम और नूरालिम। पंजाब के हैं भांगड़ा और गिद्दा। मिजोरम के हैं खांटम, पाखुपिला, चेरोकान। जम्मू कश्मीर के हैं राउस, हिकार, कूद और डंडी नाच। तमिलनाडु के हैं भरतनाट्यम शास्त्रीय और कुमी कोलट्टम। उत्तर प्रदेश के हैं रासलीला और नौटंकी। अब है भारत की प्रमुख लोक कला, कला और राज्य। मांडना राजस्थान, चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश, मेहंदी राजस्थान, रंगोली महाराष्ट्र, सातिया गुजरात, गोदना बिहार और छत्तीसगढ़, अड़पन बिहार। अब है प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, देशबंधु चित्तरंजन दास, दीनबंधु सी एफ एंड्रयूज,
पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, आंध्र केसरी टी प्रकाशम, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां, राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी, वयोवृद्ध पुरुष दादाभाई नौरोजी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, देश रत्न आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चाचा जवाहरलाल नेहरू, शहीद आजम भगत सिंह, भारत को किला सरोजनी नायडू, स्वर को किला लता मंगेशकर, उरन परी पीटी उषा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालचारी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुजी एम एस गोलवलकर, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह, मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट, निर्मल हृदय मदर टेरेसा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तूतीय हिंद अमीर खुसरो, बाबूजी जगजीवन राम, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारतीय मैकियावेली चाणक्य, हरियाणा हरिकेन कपिल देव, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, फ्यूहरर एडोल्फ हिटलर, लिटिल कॉर्पोरल नेपोलियन बोनापार्ट, भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम। अब प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान, वाटरलू नेपोलियन का संबंध है, पोरबंदर महात्मा गांधी, बारदौली सरदार पटेल, फतेहपुर सिकरी महान अकबर, पुदुचेरी अरविंद घोष, बेलूर रामकृष्ण परमहंस, पवनार विनोबा भावे, श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान, कुंडग्राम महावीर, जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कटक सुभाष चंद्र बोस, त्रिमूर्ति भवन जवाहरलाल नेहरू, यरूशलम ईसा मसीह, लुम्बिनी कपिलवस्तु गौतम बुद्ध, मक्का मोहम्मद साहब, कोर्सिका नेपोलियन, मैसिडोनिया सिकंदर महान, जलियावाला बाग जनरल डायर, आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू, चित्तौर महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी महाराणा प्रताप, साबरमती महात्मा गांधी, मकदोनिया सिकंदर महान, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर, तलवंडी गुरु नानक, पावापुरी महावीर। अब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की स्मृति में 1901 ईस्वी से वितरित की गई थी। नोबेल पुरस्कार का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जाता है। नोट, पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषय में कार्य किए के लिए दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वेरिजेस रिक्स बैंक स्वीडिश बैंक द्वारा अपना 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1968 ईस्वी में आरंभ किया गया। इसे 1968 ईस्वी में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के व्यक्ति, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य में 1913 में इनको मिला था, डॉक्टर सी वी रमन भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में, डॉक्टर हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में, मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में 1979, एस चंद्रशेखर भौतिकी 1983, डॉक्टर अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र 1998, वी एस नायपल साहित्य 2001, वेंकट रमन रामकृष्ण संयुक्त रूप से रसायन में 2009, कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफ़ज़ई पाकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से दिया गया, बाल अधिकार के लिए संरक्षण के लिए शांति का नोबेल दिया गया 2014 में। नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी। यह पुरस्कार विश्व फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। इसका ऑफिशियल नाम एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट है। मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के लेखक वी एस नायपल, कृति इन ए फ्री स्टेट वर्ष 1971 में, सलमान रशदी मिडनाइट चिल्ड्रेन 1981 ईस्वी में, अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 1997 में, किरण देसाई द इनहेरिटेंट ऑफ लॉस 2006 में, अरविंद अडिग वाइट टाइगर 2008 में। अब राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत रत्न
यह कला साहित्य तथा विज्ञान खेल या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। इसके मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा सम्मान है। इसे भी भारत रत्न के साथ 1977 में बंद कर दिया गया था तथा 1980 में फिर से शुरू किया गया। तीन पद्म पुरस्कार हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अब प्रमुख पुरस्कार क्षेत्र एवं प्रारंभ वर्ष। नोबेल पुरस्कार की प्रारंभ 1901 से। क्षेत्र हैं साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से दिया जाने लगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब पुलित्जर प्राइज 1917 से प्रारंभ हुआ, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार 1929 से प्रारंभ हुआ और फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार 1952 से प्रारंभ हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार 1969 से साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार 1958 से संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न 1954 से कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जनसेवा के लिए दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। रमन मैग्सेस पुरस्कार 1958 ईस्वी से सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में 2001 से उद्गामी नेतृत्व में के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान, इसका प्रारंभ 1991 से हुआ, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार, इसका प्रारंभ 1992 से हुआ, संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। शंकर पुरस्कार, यह भारतीय दर्शन, संस्कृति और कला क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और कबीर सम्मान, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार, ये 2002 से प्रारंभ हुआ, खेल में जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये 1985 से प्रारंभ हुआ, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार, ये 1961 से प्रारंभ हुआ और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1992 में प्रारंभ हुआ, खेल में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार 1957 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। धनवंतरी पुरस्कार 1971 में प्रारंभ हुआ, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बॉरलॉग पुरस्कार 1973 में शुरुआत हुआ और कृषि के पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। अब है वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र, यह वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार या पदक है, जो जल, थल और वायु सेना में दुश्मन के सामने बहादुरी से सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। महावीर चक्र, यह दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार या पदक है। वीर चक्र, यह तृतीय श्रेणी का वीरता पुरस्कार है। अशोक चक्र, यह पदक थल, जल और नभ में साहस, पराक्रम तथा आत्म बलिदान का अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए शांति काल में प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, वर्ष 1969 में देविका रानी रोडिक को मिला था और वर्ष 2017 में विनोद खन्ना को मरणोपरांत दिया गया था। अब भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, 1954 में भारत रत्न सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था। 1955 में डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, जवाहरलाल नेहरू को मिला था। 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत को और 1958 में धोंधो केशव कर्वे को। 1961 में विधान चंद्र रॉय राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन को मिला था। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को, डॉक्टर पांडुरंग बरमबामन काने को और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे।
1971 में इंदिरा गांधी को मिला था, 1975 में वराहगिरी वेंकट गिरी को मिला था, 1976 में कुमार स्वामी कामराज मरणोपरांत मिला था इनको, 1980 में मदर टेरेसा को मिला था, 1983 में आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत मिला था, 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था, ये प्रथम विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न मिला, 1988 में मखदुम गोपालन रामचंद्र मरणोपरांत मिला था, 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत और नेशनल मंडेला को भी मिला था, 1991 में राजीव गांधी मरणोपरांत तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल मरणोपरांत और मोरारजी देसाई को मिला था, 1992 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मरणोपरांत और जे आर डी टाटा सत्यजीत राय को मिला था, 1997 में ए पी जे अब्दुल कलाम गुलजारी लाल नंदा को मरणोपरांत, अरुणा आसफ अली को भी मरणोपरांत मिला था, 1998 में एम एस सुबा लक्ष्मी श्री सुब्रमण्यम जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत मिला था, 1999 में पंडित रविशंकर को प्रोफेसर अमर्त सेंत को और गोपीनाथ बरदोली को मरणोपरांत मिला था, 2001 में लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्ला खां को मिला था, 2008 में भीमसेन जोशी को मिला था, 2014 में सचिन तेंदुलकर एवं चिंतामणि नागेशा रामचंद्र राव को मिला था, 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत मिला था, 2018 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका को मरणोपरांत और नानाजी देशमुख को भी मरणोपरांत मिला था। अब है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार। वर्ष 1965 में जी शंकर कुरूप को मिला था, इनकी कृति थी अडा कुजाई जो मलयालम में थी। वर्ष 1966 में तारा शंकर बंदोपाध्याय को मिला, इनका कृति था गण देवता बंगला भाषा में था। 1967 में के बी पुटप्पा व उमा शंकर जोशी को मिला था, इनका रचना था रामायणम दर्शन कन्नड़ भाषा में और निशीथ गुजराती भाषा में। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को मिला चिदंबरा के लिए जो कि हिंदी में था। 1969 में फिराज गोरखपुरी को गुल ए नगमा उर्दू के लिए मिला था। 1970 में विश्वनाथ सत्यनारायण को श्रीमद् रामायण कल्प वृक्षम तेलुगु के लिए मिला था। 1973 में गोपीनाथ मोहंती और डी आर बेंद्रे को मिला था माली मटाल उड़िया के लिए और चार तार कन्नड़ के लिए। 1974 में विष्णु सखा खांडेकर को मिला ययाति जो कि मराठी में था। ए बी अलिंदम को चित्त पावन जो कि तमिल के भाषा का है इसके लिए मिला था। 1979 में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को मिला था मृत्युंजय असमिया भाषा के लिए। 1981 में अमृता प्रीतम को कागज ते कैनवास पंजाबी भाषा का साहित्य है इसके लिए मिला था। 2004 में रहमानी राही को कश्मीरी साहित्य के लिए मिला था। 2006 में रविंद्र केलकर और सत्यव्रत शास्त्री को मिला था कोकणी और संस्कृत साहित्य में मिला था। शंख घोष को मिला था 2016 में बंगला साहित्य के लिए। 2017 में कृष्णा सोबती को हिंदी साहित्य के लिए मिला था और 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी साहित्य के लिए मिला। अब है नवीनतम शब्द और संक्षेप। AMRUT अमृत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन। AWACS अवेकस एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट है ASHA आशा एक्रोडाइडेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट है एड्स एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट है BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट है CBC द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। नेक्स्ट है CAZRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। नेक्स्ट है DTS डायरेक्ट टू होम। नेक्स्ट है DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। FICCI फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है GAAR गार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। नेक्स्ट है GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए। नेक्स्ट है GATT
जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिपल्स एंड ट्रेड. नेक्स्ट है जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड. नेक्स्ट है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो एफिशिएंसी वायरस. नेक्स्ट है आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक. नेक्स्ट है इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस. नेक्स्ट है आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. नेक्स्ट है IBRS, इंटरेक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम. नेक्स्ट है KCC, किसान क्रेडिट कार्ड या किसान कॉल सेंटर. नेक्स्ट है नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नेक्स्ट है NRM, नेशनल रूबर्न मिशन. नेक्स्ट है NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन. NASA, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट है नोटा, नॉन ऑफ द एबोव. नेक्स्ट है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. नेक्स्ट है NAPS, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्रेस सिस्टम. नेक्स्ट है ODF, ओपन डिफिक्सिएशन फ्री. नेक्स्ट है ORDORP, वन रैंक वन पेंशन. PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. PMVBY, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना. PMPKVY, प्रवासी कौशल विकास योजना. PURA, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटी इन रूरल एरियाज. PAN, परमानेंट अकाउंट नंबर. PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. RERA, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट. RAHAT, राजस्थान हार्ट अटैक ट्रीटमेंट प्रोग्राम. RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन. RADAR, रेडियो डिटेक्टिंग एंड ट्रेंजिंग. SATH, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग योजना. SECI, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया. SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन. SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल. SSY, सुकन्या समृद्धि योजना. TOP, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम. उजाला, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल. नेक्स्ट है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. उड़े देश का आम नागरिक. VVPAT, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल. WBCSD, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. ZBB, जीरो बेस बजटिंग. नेक्स्ट है प्रमुख लोक लेखक एवं उनकी पुस्तक. दंडी, दस कुमार चरितम और अवंती सुंदरी. अश्वघोष, बुद्ध चरितम. बाण भट्ट, कादम्बरी. अमर सिंह, अमरकोश. विष्णु शर्मा, पंचतंत्र. रस खान, प्रेम वाटिका. सुद्रत, मिक्षकटिकम, मिट्टी का खिलौना. वात्स्यायन, कामसूत्र. प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री. फिरदौसी, शाहनामा. सूरदास, साहित्य लहड़ी. सूर सागर, वृत्तिहरी. नीति शतक और श्रृंगार शतक और वैरण्य शतक. रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, हंगरी स्टोन्स, गौरा और चंडालिका. मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती. अमृता प्रीतम, डेथ ऑफ ए सिटी, कागज से कैनवास और 49 डेज. वेद व्यास, भगवद गीता और महाभारत. जवाहरलाल नेहरू, भारत की खोज. इंदिरा गांधी, इंटरनल इंडिया. जयप्रकाश, कमायनी और आंसू और लहर. अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता. सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला. अनामिका और परिमल. महादेवी वर्मा, यामा. नयनतारा सहगल, ए वॉइस ऑफ फ्रीडम. विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस. पाणिनी, अष्टाध्यायी. श्री एस राधाकृष्णन, इंडियन फिलॉसफी. विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा. कल्हन, राजतरंगिणी. चाणक्य, अर्थशास्त्र. कालिदास, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान संकुतंसम. जयदेव, गीत गोविंद. सुमित्रानंदन पंत,
पल्लव और चिदंबरा, रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र और उर्वशी, आर के नारायण द डार्क रूम, मालगुडी डेज गाइड और माई डेज के लेखक, मोरारजी देसाई नेचर क्योर, देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता, शरद चंद्र देवदास और चरित्रहीन, चट्टोपाध्याय भवभूति मालती माधव और उत्तर रामचरित, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, अबुल फजल आइन ए अकबरी और अकबरनामा, कबीरदास बीजक रमैनी और सबद, अलबरूनी किताबुल हिंद, मुल्क राज आनंद कुली और कन्फेशन ऑफ ए लवर द डेथ ऑफ ए हीरो, कुलदीप नैयर जजमेंट डिस्टेंट नेवर्स, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स इन जेल, इंडिया आफ्टर नेहरू बियॉन्ड द लाइन्स आत्मकथा, काजी नजरुल अग्निवीणा, शिवानंद डिवाइन लाइफ, प्रेमचंद्र गोदान, गबन कर्मभूमि रंगभूमि, बी एम कॉल अनटोल्ड स्टोरी कन्फ्रंटेशन विद पाकिस्तान, अज्ञेय कितने नाव में कितने बार, सरोजनी नायडू गोल्डन थ्रेशहोल्ड और ब्रोकन विंग्स, प्रमुख विदेशी लेखक एवं उसके पुस्तक, लेखक जॉन मिल्टन पैराडाइज लास्ट, प्लेटो रिपब्लिक, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, अल्बर्ट आइंस्टीन द वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड एज आई सी इट, सोमेर एम हर्स प्राइस ऑफ पावर, दांते द डिवाइन कॉमेडी, होमर ओडिसी और इलियड, न्यूटन प्रिंसिपिया, गुनार मेडल एशियन ड्रामा और अगेंस्ट द स्ट्रीम, शेक्सपियर कॉमेडी ऑफ एरर एज यू लाइक इट, एमिड समर नाइट्स ड्रीम, हेमलेट किंग लियर और ओथेलो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ मैन एंड सुपरमैन, एप्पल कार्ड आर्म्स एट द मैन, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, हेराल्ड जे लास्की पुस्तक डायलेमा ऑफ आवर टाइम ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, मैक्सिम गोर्की मदर, एडोल्फ हिटलर मीन कैंप अरस्तु पॉलिटिक्स, ई एम फॉस्टर ए पैसेज टू इंडिया, लियो टॉल्स्टॉय वार एंड पीस, हेराल्ड मैकमिलन राइजिंग द स्टॉर्म, कैथरीन मेयो मदर इंडिया, जे एम बेरी हिंदू सिविलाइजेशन, रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मैकियावेली द प्रिंस ऑन द आर्ट ऑफ वार, चार्ल्स डार्विन द डिसेंट ऑफ मैन, अब है नवीनतम विख्यात पुस्तक एवं उनके लेखक, नरेंद्र दामोदर दास मोदी सेतुबंध, कर्मयोग, ज्योतिपुंज और एग्जाम वॉरियर्स, ये सभी नरेंद्र मोदी लिखे हैं, मदर टेरेसा डाउन मेमोरी लेन, जगमोहन माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, एम एफ हुसैन संसद उपनिषद, टी एन सेशन डोजेनेशन ऑफ इंडिया, सलमान रश्दी सेटनिक वर्सेज और फ्यूरी, सोनिया गांधी राजीव वर्ल्ड, मनमोहन सिंह चेंजिंग इंडिया, पी वी नरसिंहा राव द इंसाइडर, अरुण सेरी इंडियन कंट्रोवर्सीज एसेज ऑन रिलीजन इन पॉलिटिक्स, मिखाइल गोरबचोव पीस हैज़ नो अल्टरनेटिव, तस्लीमा नसरीन लज्जा और फ्रेंच लवर, खालिद मोहम्मद टू बी और नॉट टू बी, हिलेरी थॉमन क्लिंटन लिविंग हिस्ट्री, तुषार गांधी लेट्स किल गांधी, खुशवंत सिंह बुरियल एट सी, झुंपा लहरी द नेमसेक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, व्लादिमीर पुतिन फर्स्ट पर्सन, अमित चौधरी ए न्यू वर्ल्ड, लेखक वी एस नायपॉल हाफ ए लाइफ, सतीश गुजराल ए ब्रूस विद लाइफ, मेघनाथ देसाई रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, बेनजीर भुट्टो डॉटर ऑफ द ईस्ट, स्टीफन हॉकिंग द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और ब्रीफ अनार्स टू द बिग क्वेश्चंस, ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन, आंग सान सू की फ्रीडम फ्रॉम फियर, लाल कृष्ण आडवाणी माई कंट्री माई लाइफ, कपिल देव स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिक की रपटीली राहें और संसद के तीन दशक, अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, एम जे अकबर इंडिया द सीज विद इन, तारिक अली कैन पाकिस्तान सर्वाइव, डोमिनिक लेपियर द सिटी ऑफ जॉय,
विक्रम सेठ सुटेबल बॉय और गोल्डन गेट, बीपी मलिक कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, जनरल के सुंदर जी ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान, पी सी अलेक्जेंडर द पेरिप्लस ऑफ डेमोक्रेसी, मेनका गांधी हेड्स एंड टेल्स, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रोमिला थापर सोमनाथ द मैनी वॉइस ऑफ ए हिस्ट्री, मनोहर जोशी स्पीकर्स डायरी, अनिता देसाई फास्टिंग फिस्टिंग, टाइगर वुड्स हाउ आई प्ले गोल्फ, ए पी जे अबुल कलाम इग्नाइटेड माइंड्स, मार्गरेट थ्रेचर द पाथ टू पावर, एम एस स्वामीनाथन टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, संजय बारू द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, विनीत वाजपेयी काशी सीक्रेट ऑफ द ब्लैक टेम्पल। नेक्स्ट है खेलकूद में ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व यूनान के ओलंपिया शहर में संपन्न हुए थे। फ्रांस के बेरोन पियरे डी कोबर्टिन के प्रयास से आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ अप्रैल 1896 में यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक खेल को संचालित करने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC है। इसका मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में। वर्ष 1916, 1940 और 1944 में विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक खेल नहीं हुए। अगले ओलंपिक खेल वर्ष 2020 में टोक्यो जापान में प्रस्तावित हैं। ओलंपिक खेल में भारत का प्रदर्शन। कुश्ती 1952 में हेलसिंकी फिनलैंड, केदी जादव ने 52 से 57 के वर्ग में कांस्य पदक जीता था। 2008 के ओलंपिक में बीजिंग में सुशील कुमार ने 66 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता था। 2012 के लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने रजत तथा योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता था कुश्ती में। 2016 के रियो ओलंपिक ब्राजील में साक्षी मलिक ने 58 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। हॉकी में 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। 1932 में लॉस एंजलिस में अमेरिका में स्वर्ण पदक जीता था। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में। 1948 में लंदन ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। 1952 में हेलसिंकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। 1956 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण पदक जीता था। 1960 में रोम ओलंपिक में रजत पदक जीता था। 1964 में टोक्यो जापान में स्वर्ण पदक जीता था। 1968 में मैक्सिको में कांस्य पदक जीता था। 1972 में म्यूनिक में जर्मनी में कांस्य पदक जीता था। 1980 में मास्को सोवियत यूनियन में स्वर्ण पदक जीता था। शूटिंग में 2004 में एथेंस ओलंपिक में राजवर्धन सिंह ने रजत पदक जीता था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था। 2012 में लंदन ब्रिटेन में विजय कुमार ने रजत पदक जीता तथा गगन नारंग ने कांस्य पदक जीता। लॉन टेनिस 1996 में अटलांटा अमेरिका में लिएंडर पेस ने कांस्य पदक जीता पुरुष एकल में। भारोत्तोलन में 2000 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कर्णम मलेश्वरी ने 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। बैडमिंटन में 2012 में लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता था। 2016 में रियो ओलंपिक में ब्राजील में पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था। मुक्केबाजी में बीजिंग ओलंपिक में विजेंद्र सिंह ने 75 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था और 2012 में लंदन ओलंपिक में मैरी कॉम ने कांस्य पदक जीता था। जिमनास्टिक 2016 रियो ओलंपिक में दीपा कर्माकर फाइनल में पहुंची थी और 4th स्थान पर रही थी। अब है राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम। राष्ट्रमंडल खेल समारोह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेल उत्सव है। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे देश ही राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेते हैं। वर्ष 1930 में राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। इसमें 11 देश ने हिस्सा लिया था। भारत ने पहली बार 1934 में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। राष्ट्रमंडल खेल में डेविड डिक्सन पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 वर्ष 2018 में 21वें राष्ट्रमंडल खेल 4 से 15 अप्रैल के
मध्य ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित हुए थे। इन खेलों में 71 देश ने 4426 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इन खेलों का ध्येय वाक्य शेयर द ड्रीम, सपनों का साझा करें था, तथा इसका शुभंकर बोरोबी था। इन खेलों में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया कुल 198 पदक को प्राप्त हुआ तथा भारत को तीसरा स्थान, 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक सहित कुल 66 पदक मिला था। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत का प्रदर्शन, निशानेबाजी में 7 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य, कुल 16, कुश्ती में 5 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य, कुल 12 पदक, भारोत्तोलन में 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य, टोटल 9 पदक, मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य, टोटल 9 पदक, टेबल टेनिस में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य, टोटल 8 पदक, बैडमिंटन में 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक, टोटल 6 पदक, एथलेटिक्स में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य, टोटल 3 पदक, स्क्वाश में 1 भी स्वर्ण नहीं, 2 रजत और टोटल 2 पदक, पैरा स्पोर्ट्स में 1 कांस्य पदक। वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए जाएंगे। एशियाई खेल को एशियाड भी कहा जाता है। वर्ष 1951 में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। इसका प्रतीक चिन्ह चमकता हुआ सूर्य था। पटियाला के महाराज यागवेंद्र सिंह ने पहले एशियाई खेल के लिए मशाल और ध्वज भेंट किया था। 18वें एशियाई खेल 2018 में जकार्ता एवं पालेमबांग इंडोनेशिया में आयोजित किए गए। इसमें चीन 289 पदक के साथ पहले स्थान पर तथा भारत 69 पदक के साथ 8वें स्थान पर रहा। 19वें एशियन गेम्स 2022 में हंगझोऊ चीन में होंगे। क्रिकेट, विश्व में क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैमिल्टन में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में आयोजित किया गया था। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, जिसका मुख्यालय दुबई में है, जबकि भारत में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल BCCI क्रिकेट को संचालित करता है। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान CK नायडू थे। भारत में अपना पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स के मैदान वर्ष 1932 में खेला था। विश्व कप पुरुष एक दिवसीय, पहला एक दिवसीय विश्व कप वर्ष 1975 में इंग्लैंड में खेला गया, जिसमें वेस्टइंडीज ऑस्ट्रेलिया को हराकर विजेता बना। विश्व कप का आयोजन 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। यह टूर्नामेंट सबसे अधिक 5 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता, जबकि वेस्टइंडीज ने 2 बार, भारत ने 2 बार, पाकिस्तान ने 1 बार और श्रीलंका ने 1 बार जीता है। भारत ने वर्ष 1983 और 2011 में यह टूर्नामेंट जीता है। वर्ष 2019 का क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स में तथा वर्ष 2023 का विश्व कप भारत में प्रस्तावित है। महिला क्रिकेट विश्व कप एक दिवसीय, सर्वप्रथम महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन वर्ष 1973 में इंग्लैंड में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को हराकर इंग्लैंड विजेता बन गया था। ऑस्ट्रेलिया ने सर्वाधिक 6 बार यह टूर्नामेंट जीता है, जबकि भारत अब तक वर्ष 2005 व 2017 में फाइनल में पहुँचने में सफल रहा। T20 विश्व क्रिकेट विश्व कप पुरुष, यह क्रिकेट का आधुनिकतम स्वरूप है, जो मात्र 20 ओवर के लिए खेला जाता है। इस स्वरूप के अंतर्गत पहला विश्व कप क्रिकेट 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया, जिसमें भारत पाकिस्तान को हराकर विजेता बना। वेस्टइंडीज ने सबसे अधिक 2 बार 2012 और 2016 में यह टूर्नामेंट जीता है। वर्ष 2020 में T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। T20 क्रिकेट विश्व कप महिला, पहली बार महिला T20 विश्व कप का आयोजन 2009 में इंग्लैंड में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराकर विजेता बना था। ऑस्ट्रेलिया ने सर्वाधिक 4 बार, इंग्लैंड ने 1 बार तथा वेस्टइंडीज ने 1 बार यह टूर्नामेंट जीता है। हॉकी का पहला संगठित क्लब ब्लैकहीथ एंड एल्थमियंस क्लब था, जो 1861 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासभा FIH के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट की होती है। ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार हॉकी का खिताब भारत ने जीता है।
हॉकी का पहला विश्व कप वर्ष 1971 में बार्सिलोना स्पेन में आयोजित किया गया था। पुरुष हॉकी विश्व कप सर्वाधिक पाकिस्तान ने 4 बार, ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार, नीदरलैंड ने 3 बार, जर्मनी ने 2 बार और भारत ने 1975 में बेल्जियम, 2018 में 1-1 बार यह खिताब अपने नाम किया है। 1-1 से पहला महिला हॉकी विश्व कप वर्ष 1974 में फ्रांस ने आयोजित किया था और महिला हॉकी विश्व कप सर्वाधिक नीदरलैंड ने 8 बार, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अर्जेंटीना में 2-2 बार जीता है। फुटबॉल, फुटबॉल खेल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था। विश्व में सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा है, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। पहला फुटबॉल विश्व कप 1930 में उरुग्वे में संपन्न हुआ था, जिसे उरुग्वे ने जीता था। इसे प्रति 4 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। वर्ष 2018 के फुटबॉल विश्व कप का आयोजन रूस में हुआ था। इसमें फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर 2री बार यह खिताब जीता। वर्ष 2022 का फुटबॉल विश्व कप कतर में तथा 2026 का अमेरिका, मेक्सिको तथा कनाडा संयुक्त रूप से होंगे। महिला विश्व कप फुटबॉल की शुरुआत 1991 में चीन में हुई थी, जिसे यूएसए ने जीता था। वर्ष 2015 में महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कनाडा में किया गया, जिसे यूएसए ने जापान को हराकर जीता। लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित प्रतियोगिता है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन तथा अमेरिकी ओपन टेनिस चैंपियनशिप आते हैं। विंबलडन एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो घास के मैदान पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन लाल क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ओपन कृत्रिम मैदान पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। प्रसिद्ध खेल मैदान और उनके संबंधित खेल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एथलेटिक्स के लिए दिल्ली में स्थित है। शिवाजी स्टेडियम हॉकी के लिए नई दिल्ली में है। वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट मुंबई, ईडन गार्डन क्रिकेट कोलकाता, कीनन स्टेडियम क्रिकेट जमशेदपुर, लॉर्ड्स ओवल और लीड्स क्रिकेट के लिए ब्रिटेन में, विंबलडन लॉन टेनिस लंदन के लिए लंदन में, इंदिरा गांधी स्टेडियम इंडोर गेम दिल्ली में, ब्रुकलिन स्टेडियम बेसबॉल के लिए न्यूयॉर्क, युवा भारतीय स्टेडियम फुटबॉल कोलकाता, पर्थ, ब्रिस्बेन और मेलबर्न क्रिकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया, अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल नई दिल्ली, बेब्रॉन स्टेडियम क्रिकेट मुंबई, व्हाइट सिटी कुत्ते की दौड़ व अन्य खेल के लिए इंग्लैंड में, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट के लिए नई दिल्ली में, चेपक स्टेडियम क्रिकेट नई चेन्नई।